सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। मगर सबसे बड़ा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है तो देश को सुरक्षित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, 10 साल तक ये यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी और 10 साल तक के आलिया मालिया जमालिया देश में घुसकर जवानों के सर काट कर ले जाते थे, अपने जवानों के सर को अपमानित करते थे, कोई जवाब नहीं दिया जाता था। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अभी पुलवामा पर पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों ने हमला किया, अपने 40 जवान शहीद हो गए, पूरे देश भर के अंदर हताशा गुस्सा निराशा, ये क्या हो गया, अब क्या होगा। मगर इन बाबा मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं थी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 13वीं के दिन, शहीदों की 13वीं के दिन भारतीय एयरफोर्स के जवान विमान लेकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप के भुड़चल्ले उड़ाने का काम एयर स्ट्राइक कर भारत की सेना ने किया और पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई देश भर में उत्साह का माहौल था, लोग फटाके जलाने लगे, शहीदों के तस्वीरों को माला चढ़ाने लगे, मिठाइयां बंटने लगी, देश भर में खुशी का माहौल था। दो जगह मातम छाया, दो जगह पे छातियां पीटने लगे लोग, एक तो पाकिस्तान में, वो तो बराबर ही है, उन पर हमला हुआ था, इनकी तो नानी मर गई थी, और दूसरा राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी में भी मातम छा गया, वो भी हाय तोबा करने लगे, ये शाम पित्रोड़ा बोलने लगे, क्यों बम गिरा रहे हो, बातचीत करो, 5-6 लोग गलती करते हैं तो एक देश पर बम नहीं गिराते हैं। मुझे बताओ नागपुर वालों, 40 जवानों को जो मार दे वो आतंकवादियों को बम से उड़ाना चाहिए या नहीं उड़ाना चाहिए? जोर से बोले, उड़ाना चाहिए नहीं उड़ाना चाहिए? अरे राहुल बाबा, आपको आतंकवादियों के साथ इलू इलू करना है तो कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहां वहां से गोली चलेगी, यहां से गोला चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। अभी अभी समझौता ब्लास्ट का रिजल्ट आया, सारे लोग असीमानंद जी समेत निर्दोष छोड़ दिए, कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने, जिस शिंदे जी ने, जो चिदंबरम ने और राहुल बाबा ने स्वयं हिंदू टेरर, भगवा टेरर करकर पूरी दुनिया में हिंदू समुदाय को बदनाम करने का काम किया, वो हिंदू समुदाय जो चींटी हमें काटती है उसको भी जिंदा रहने के लिए हर रोज हमारी माताएं बहनें आटा खिलाती है, वो हिंदू समुदाय कभी टेररिस्ट हो सकता है क्या? आपकी ओछी राजनीति करने के लिए हिंदू टेरर का मुद्दा उठाया, आज कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने कहा हिंदू टेरर जैसी कोई बात नहीं है, ये राजनीतिक षड्यंत्र था। मैं नागपुर की भूमि पर से राहुल गांधी से जवाब मांगना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में आपने हिंदू समुदाय को बदनाम किया है, आपको चाहिए चुनाव के पहले समस्त देश के हिंदू समुदाय की आप माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? मगर वो कभी नहीं मांगेंगे।